pattern है. And don't forget, English में हाँ. I love Thapki. I am so happy. Thapki, good girl. My life, my twinkle twinkle star. I now see Thapki eyes. Thapki is the most beautiful girl in this whole world. I'm nothing in front of her. I want her, just like the stars want their sky. I love you more than anything in this world. यहाँ यही कहना था ना तुम्हें, तो बस मैंने कह दिया. क्या कहते हो गाइस? बस सुबह अब रोके की रस्म शुरू करो ना. पता चली गई बिहान को, बाकी की औकात मैं इसे दिखा दूंगी. और आखिर में ध्रुव ने अंग्रेजी में जो कहा उसका मतलब था, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी दुनिया तुम ही हो. वो क्या है ना बिहान जी, अंग्रेजी आपको पल्ले नहीं पड़ती ना, इसलिए सोचा यहाँ पर आके आपकी हेल्प कर दूं. इसलिए मैंने सारी इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट करके अंग्रेजी को हिंदी में परिवर्तित करके आपको समझाया. आई होप आपको समझ आया होगा, है ना? एक मिनट श्रद्धा, आपके इन आभूषणों ने तो आपके सौंदर्य पर आज चार चांद लगा दिए. मैं तो भाव विभोर होकर आत्म विश्लेषण करने लगी हूँ कि आपकी प्रशंसा में आज ऐसी क्या टिप्पणी करी जाए जिससे आपका सौंदर्य और अलंकृत हो जाए. हाँ? अब मतलब क्या हुआ, समझ नहीं आया? कोई बात नहीं. बिहान, श्रद्धा ने तुम्हें अंग्रेजी समझाई ना, अब श्रद्धा को हिंदी समझा दो. बोलो. थपकी कहना चाहती है कि आपने जो जेवर पहने हैं इनसे आपकी सुंदरता और भी बढ़ गई, ऐसा कि थपकी देखती रह गई. थपकी कुछ कह नहीं पा रही है, इसलिए अपने मन ही मन में सोच रही कि ऐसा क्या कहे जिससे आपकी सुंदरता और बढ़ जाए. श्रद्धा, जानती हो भाषा के नाम पर किसी को नीचा दिखाना या कम समझना बहुत गलत है, क्योंकि हर किसी में अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं. अगर किसी को एबीसी नहीं आती तो हो सकता है आपको क ख ना आए. Yeah, right. I mean, तुम सही कह रही हो. पर तुम मुझे ये सब क्यों बोल रही हो थपकी? मैं तो यहाँ पे बिहान की बेस्ट हेल्प करने आई थी. वैसे भी घर वालों की नजर में तो मैं बुरी बन चुकी हूँ, अब और क्यों बुरी बनूंगी? लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैंने तुम्हारा एंड स्पेशली बिहान का दिल दुखाया है, आई एम सॉरी. बिहान जी, मुझे माफ कर दीजिएगा. बिहान, इधर देखो. बिहान बाबूजी कहते हैं ना कि दिल की बात समझने के लिए आंखों की जरूरत होती है, शब्दों की नहीं. तुम जानते हो, मुझे आज सब कुछ समझ में आया जो तुम मुझसे कहना चाहते थे, और मैंने वो सब भी सुना. जो तुम्हारे इस दिल में था पर तुम कह नहीं पाए मुझसे। हरिओ तोता मैना, जल्दी चलो, वहाँ ध्रुव देवर जी ना बुला रहे हैं, नाच गाना शुरू होने वाला है। हाँ आओ, तब क्या हुआ, आओ आओ जल्दी आओ। सर दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है या सर खराब हो रहा है? अंग्रेजी जो नहीं बोल पाए। सर में दर्द हुआ ना तो इलाज करते हैं ना, दारू। एक बार दारू अंदर तो सारा दर्द बाहर। लेकिन भाई ने तो मना किया है ना, क्या करें? इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े लोग आए, और वो भी खासकर ध्रुव ने हमारे रोकने के लिए बुलाया। यार अब जब ध्रुव हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हमें यूं शराब पीकर सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए ना। शरबत पी लीजिए। बिहान जी अभी भी नाराज है क्या? मैंने जो इतनी बड़ी गलती की है उसकी माफी के लिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। प्लीज पी लीजिए, प्लीज। श्रद्धा, फिर गलती करनी ही क्यों जो माफी मांगने की नौबत आप पड़े, है ना? वैसे श्रद्धा अच्छी बात है, तुम थोड़ी ना सेवा जतन कर रही हो, उका है ना, इसी बहाने तुम्हें थोड़े आप भी भूल जाएंगे। बिहान देवर जी हम अभी आते हैं। हाँ? शरबत? बिहान जी मेरा सच क्या सामने आया? ये पूरा का पूरा पांडे खानदान तो मेरे सर पे चढ़ के नाचने लग गया है। पर देखना ऐसा झटका दूंगी ना सबके सब मुंह के बल गिरेंगे। सबसे पहले तो तुम मिस्टर बिहान पांडे। What the hell are you doing, man? What's wrong with you? अंग्रेजी में कुछ कह रहे हैं भाई। लगता है हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब एक बार और करना ना, लेकिन इस बार हिंदी में। बेवकूफों, मैं ये कह रहा हूँ जब हाई क्लास डांस करना नहीं आता तो करना जरूरी है। माफ करना। आ जाते हैं सूट बूट पहनकर पता नहीं कहाँ से हम सबकी बराबरी करने के लिए। कपड़े बदलने से इंसान की असलियत नहीं बदलती, गंवार गंवार ही रहते हैं। अब जाओ, दो जाके खड़े हो। भाभी तो कमाल की अंग्रेजी बोलती है, एकदम बड़े लोगों की तरह। हमारा तो भाभी के साथ कोई मेल ही नहीं है। थपकी, माय लाइफ, ट्विंकल ट्विंकल स्टार। आ जाते हैं सूट बूट पहनकर पता नहीं कहां से हम सबकी बराबरी करने के लिए, गंवार गंवार ही रहते हैं। बंद करो ये साहबों वाला नाच गाना। नहीं बदलती ना असलियत? हाँ तो नहीं बदलती। हम गवार हैं तो गवार ही सही। अब हमारा गाना बजेगा। ओ भाई साहब सुनाई दे रहा है? अब हमारा गाना बजेगा, बजाओ। हिंदी गाने बजाओ, हिंदी नहीं थपकी, तुम कर सकते हो सब। हम ऐसे नहीं है, हम नहीं है ऐसे। ये जेंटलमैन वाली पार्टी, ये नाच गाना, ये कपड़े हमसे नहीं होता। बिहान माफ करो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे हैं। हमें किस बात की शर्म? हमें कोई शर्म नहीं है। और हाँ, अब नहीं आता हाई क्लास वाला डांस तो क्या करें, नाचे नहीं। अरे लेकिन हमें अपना वाला डांस तो आता है ना, वो भी चमके। क्यों देखना है? देखना है आप लोगों को, देखना है? बिहान, बिहान। हम दिखाते हैं डांस, देखो। ओ भाई चलो बजाओ। बिहान हिंदी गाने बजाओ, सुनाई नहीं देता? नागिन बजाओ, नागिन। बिहान, 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 तुम ठीक हो ना? क्या है ये? माफ कीजिएगा, वो जरा सा। बिहान, लेकिन मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, आपका बेटा बिहान है बहुत किस्मत वाला, वरना ऐसे लड़कों के लिए थपकी जैसी पत्नी मुश्किल से मिलती है। बिहान, बिहान क्या हुआ तुम्हें? देख नहीं रही हो कितने नशे में धोता है। तुम चिंता मत करो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। पता नहीं इतना नशा क्यों करते। संजय, अश्विन भैया, बिहान के दोस्तों को घर पहुंचाने का बंदोबस्त करो, वो लोग तो उठ भी नहीं पाएंगे। जी, हमारा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब उल्टा सीधा बोल के और खराब मत करना। वो बिहान बेवकूफ नालायक, अब बिल्कुल होश नहीं रखता है। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, थपकी की माँ भी थी, सबके सामने ऐसे। बाबूजी अब तू ज्ञान मत देना, देना है तो साथ दे थोड़ी देर, ताकि भड़ास निकल सके दिल की। बाबूजी बिहान सुबह तक ठीक हो जाएगा। सुबह तो क्या, अब जिंदगी भर ठीक रहेगा, क्योंकि उस गधे के साथ अब थपकी है। पार्टी में जब हम सब बिहान की हरकतों पर शर्मिंदा हो रहे थे, तब थपकी के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं, चिंता थी, क्योंकि उसने अपना मान लिया उसको। और अपनी चीज कैसी भी हो, हमेशा अपनी ही रहती है। जानते बाबूजी, पता नहीं क्यों, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं आपकी बात से सहमत हूं। चीयर्स। चीयर्स। अपनी चीज कहीं पे भी हो, हमेशा अपनी रहती है। इसका मतलब तुम मेरी थी, तो तुम्हें हमेशा मेरा ही बन के रहना चाहिए था ना। लेकिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिला थपकी। मुझे मिला तो सिर्फ सिर्फ धोखा। जिंदगी के 3 सबसे अहम रिश्ते और तीनों ने मुझे दिया सिर्फ धोखा। मां ने ये शादी तोड़वा दी, पत्नी ने इतना बड़ा झूठा नाटक करके। श्रद्धा मां बनने वाली है, प्रेमिका यानी तुमने बड़ा राज छुपा के एक हद तक तुमने भी मुझे सिर्फ धोखा ही दिया है। लेकिन अब बस जो चीज मेरी है वो मुझे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं सच्चा हूं। और इसलिए बिहान के साथ आज पार्टी में जो कुछ हुआ वो मेरा ही प्लान था। मैंने ही कहा था प्रीति और सुमन भाभी से बिहान से इंग्लिश में फीलिंग्स बुलवाने के लिए। सबकी माय ट्विंकल ट्विंकल स्टार बिहान के शरबत में शराब मैंने ही मिलाई थी, जिससे वो होश खो बैठे। श्रद्धा, ये किसके लिए ले जा रही है? बिहान और उसके दोस्तों के लिए। Well, if you don't mind, मैं एक ड्रिंक ले लूं? Of course, why not? Thank you. I'm so sorry. I'm extremely sorry. No, it's okay, it's okay. मैं पहले से क्लीन करके आती हूँ। I'm sorry. नशा बहुत तेज है बिहान बाबू। अब देखो इसके नशे की हालत में तुम और तुम्हारे दोस्त क्या क्या जबरदस्त ड्रामे करते हो। 15 दिन में फिर से शादी है ना तुम्हारी बिहान से, तो बस ये ताजमहल हमारे प्यार की निशानी, यही साक्षी होगा। इसी 15 दिन में मैं तुम्हें एहसास दिला दूंगा कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारे साथ के लायक सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम्हारा और बिहान का कोई मेल नहीं है थपकी। अगर मेल है तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का। तुम खुद मानोगी इस बात को, फिर बहुत जल्द तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। और अब थपकी का नाम सिर्फ और सिर्फ ध्रुव के साथ जुड़ेगा और किसी के भी साथ नहीं।